हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 चैप्टर 5 योजक तत्र दुर्लभ का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन करते हैं। एक उष्ट्र अस्ति, एक ऊंट है। उष्ट्र स्वभाविन वक्र अस्ति, ऊंट स्वभाव से टेढ़ा है। सह सर्वदा दोष एव पश्यति, वह हमेशा दोष ही देखता है। एकदा सह वने अटति, एक बार वह वन में भ्रमण करता है। मार्गे सह वृक्षस्य ऊपर एकम सुकम पश्यति, मार्ग में उसे वृक्ष के ऊपर एक तोता दिखाई दिया। उष्ट्रा सुकाय कथयति, ऊंट तोते से कहता है, हे सुक, तव चक्षु वक्र अस्ति, हे तोते, तुम्हारे चोंच टेढ़ी है। सुक लज्जाम अनुभवति, तोता लज्जा अनुभव करता है। उष्ट्र हंसति अग्रे चलति, ऊंट हंसते हुए आगे को जाता है। मार्गे सह कुकुरम पश्यति, मार्ग में उसे कुत्ता दिखाई देता है। उष्ट्र कुकुराय कथयति, ऊंट कुत्ते से कहता है, हे कुकुर, तव पुच्छम वक्रम अस्ति, हे कुत्ते, तुम्हारी पूंछ टेढ़ी है। कुकुर लज्जाम अनुभवति, कुत्ता लज्जा का अनुभव करता है। उष्ट्र हंसति अग्रे चलति, ऊंट हंसते हुए आगे को जाता है। मार्गे बकः अस्ति, मार्ग में उसे बगुला दिखता है। बकम दृष्ट्वा उष्ट्र, बगुले को देखकर ऊंट बोलता है। तव ग्रीवा वक्रा अस्ति, तुम्हारी गर्दन टेढ़ी है। बक उष्ट्रम प्रति पश्यति अपिने, बगुला ऊंट के प्रति कोई एक्टिविटी नहीं करता, बगुला ऊंट की तरफ नहीं देखता। मार्गे श्रृंगाला मिलत, मार्ग में उसे सियार मिलता है। श्रृंगाला पृछत, सियार पूछता है। उष्ट्र भ्रातर ऊंट भाई कथम अस्ति, कैसे हो। स्वास्थ्यम समीचीनम वा, तबीयत ठीक है। उष्ट्र वदत, ऊंट बोलता है, स्वास्थ्यम समीचीनम, स्वास्थ्य तो ठीक है, किंतु अन्यत किमपि समीचीनम नास्ति, अन्य कहीं ठीक नहीं लगता। सुकस्य चक्षु वक्रा, तोते की चोंच टेढ़ी। कुकुरस्य पुच्छम वक्रम, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी। बकस्य ग्रीवा वक्रा, और बगुले की गर्दन टेढ़ी। श्रृंगाला वदति, सियार बोलता है, सुकस्य चक्षु वक्रा किंत, तोते की चोंच टेढ़ी है, लेकिन सह मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति, वह मनुष्य की तरह बोल सकता है। कुकुरस्य पूंछम वक्रम किंत, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है, लेकिन सह स्वामी भक्त अस्ति, वह स्वामी भक्त है। बकस्य ग्रीवा वक्रा किंत, बगुले की ग्रीवा टेढ़ी है, लेकिन तस्य एकाग्रचित्ता प्रचलित, वह एकाग्रचित्तता के लिए प्रचलित है। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति, किंतु भवान मरुभूम्या नृपः अस्ति, भवतः आप सभी अंगों से टेढ़े हैं, किंतु आप मरुभूमि मरुस्थल के राजा हैं। अपि च तेषां चक्षु पुच्छस्य ग्रीवाय च प्रयोजनम अस्ति, निरर्थक नास्ति। तेषां चक्षु, उसकी चोंच और पूंछ, ग्रीवाया गर्दन, सभी का प्रयोजन है, कोई निरर्थक नहीं।
अमंत्र मच्छरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। अमंत्र मच्छरम नास्ति, मंत्र न हो ऐसा एक भी अक्षर नहीं। नास्ति मूल औषधम, औषधि न हो ऐसा एक भी मूल नहीं। अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक तस्त्र दुर्लभ, अयोग्य हो ऐसा एक भी पुरुष नहीं है, उस विषय में योजक मिलना दुर्लभ है। तो बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज कराएंगे। आज के लिए इतना ही।